चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं आशीष सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्त। यहां पर हम बात करेंगे आज आपसे यहां पे पर्यावरण शिक्षण की समस्याओं के अंतर्गत आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इस प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आपसे कुछ प्रश्नों पर बातचीत कर लिया है। यहां पे आज है प्रश्न संख्या 10। यहाँ पे प्रश्न संख्या 10 कहता है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं और ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्नलिखित में से किसका अनुपालन करता है? ए कह रहा है कि वह समवयस्क शिक्षा का अनुपालन करता है, बी कह रहा है कि वह प्रतिपूरक शिक्षा अधिगम का पालन करता है, सी कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का पूरक करता है और डी कह रहा है समावेशी का कह रहा है। तो साहब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि आपकी कक्षा में 3 तरह के विद्यार्थी हो सकते हैं। अधिकांश विद्यार्थी जो सोचने समझने में एक जैसे होते हैं, ऐसे विद्यार्थी को हम औसत दर्जे का विद्यार्थी कहते हैं। अब साहब ये जो हमारा औसत दर्जा बना, कुछ हमारी कक्षा में इससे सोचने समझने वाले कम होंगे और कुछ थोड़े से बच्चे सोचने समझने में अधिक होंगे। अब शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करके शिक्षण का कार्य करे जो औसत, उससे निम्न तथा उससे उच्च सभी उससे लाभान्वित हो और इस प्रकार की हमारी जो शिक्षा होगी वह समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो हमारा सही आंसर साहब क्या होगा? समावेशी शिक्षा। चलिए साहब हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 के क्रम में और प्रश्न नंबर 11 है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को बच्चों के दृष्टिकोण देखिए यहाँ प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और उसे सम्मान देना चाहिए। बी कह रहा कि अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए। सी कह रहा विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए और डी कह रहा विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर साहब ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। एनसीएफ 2005 इस बात से सीधा सीधा नकारता है, कहता है कि नहीं, किताबी ज्ञान या दूसरों पर निर्भरता बढ़ाने वाली शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो डी नहीं होगा। अगर आप प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, यह भी नहीं होगा। अगर केवल प्रयोगों पर ध्यान दिया जाएगा तो बालक का जो वास्तविक परिवेश में सीखना होगा वो बाधित होगा। बी कह रहा अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना, साफ पढ़ाना बालक को है कि अभिभावक को, पढ़ाना हमें बच्चों को है कि उनके माता पिता को, बच्चों को, तो हम यहाँ पर यह भी सही आंसर है कि एक शिक्षक जो कक्षा में शिक्षण का कार्य कर रहा है उसे चाहिए कि वो बच्चों के विचार को शामिल करे, उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करे और इसके साथ ही साथ उसको सम्मान देते हुए उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। अब यहां पर ध्यान देंगे साहब, ए कह रहा है कि उसे शिक्षार्थी के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो ये बात साफ सत्य है, इसलिए ये नहीं हो सकता क्योंकि यह पूछ रहा है कि अनुरूप नहीं है की बात कर रहा है और ये हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। बी कह रहा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। सी कह रहा है उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना चाहिए
और डी कह रहा उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। तो यहाँ साहब ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। तो यहाँ पे ज्ञान और कौशल से लैस करने की बात जो कर रहा है, इसमें ज्ञान की जो बात कर रहा है कि उसे काम की दुनिया सिर्फ इतनी ही ये संकुचित बात कर रहा है, इसलिए यह यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसलिए यह यहाँ पे इस नहीं का सही आंसर क्या होगा, आप बी होगा। और यहाँ पे सी भी अनुरूप है, कह रहा है कि पर्यावरण के सरोकार उत्पन्न करना, समझ उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, और कह रहा है कि पद्धति प्रक्रिया को अर्जित करने में शामिल करने, नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। तो ये कह रहा है बालकों में जिज्ञासा, तो यह भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, इसलिए यह भी नहीं होगा। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हम आते हैं प्रश्न नंबर 13 के क्रम में। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए कह रहा स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करने वाली होनी चाहिए। बी कह रहा विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास करने वाली होनी चाहिए। और सी कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करने वाली होनी चाहिए। और डी कह रहा है कच्ची अधिगम को विद्यालय के बाहर से के जीवन से जोड़ने वाली होनी चाहिए। तो साहब ध्यान देंगे कि एनसीएफ 2005 ने जो पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया है कि बालक के स्कूली जीवन को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना, तो इस आधार पे यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हम आते हैं प्रश्न नंबर 14 के क्रम में, और प्रश्न नंबर 14 है कि कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है, हम क्या समझे। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा, यह परिवर्तन किस लिए किया गया है। कह रहा ए आकलन में विषय निष्ठता को कम करने के लिए, दूसरा करा इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते हैं, सी करा आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है, और डी कहता है यह जानने में शिक्षार्थियों की मदद करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी कि यह यहाँ पे यह शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं या सीखने में वे किस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपना रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 के क्रम में, और प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चों के प्रति सही जीवन के प्रति और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या में लिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। कह रहा शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त के मूल्य को बढ़ावा देती, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, और कह रहा है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो साहब ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि एक अच्छी पाठ्यचर्या की बात कर रहा है, तो एक अच्छी पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 के अनुसार इसने उद्देश्य निर्धारित किया है कि पर्यावरण शिक्षण की विषय वस्तु में शब्दावलियों, परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर ए उसी पर जोर दे रहा था, इसलिए यहां सही आंसर ए नहीं हो सकता। डी कह रहा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर, मतलब ये केवल शिक्षण और अधिगम पर जोर देने की बात कर रहा है, तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि ये परिवेश से जोड़ने की बात करता है। बालक के सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक सभी प्रकार के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, और ये यहाँ पे पोषित नहीं करता। सी कह रहा विषय को सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने और शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, तो यहाँ पर यह जो है कि ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे बी कह रहा भय एवं
पूर्वाग्रह से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। साफ 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 एनसीएफ 2005 ने कहा है कि पर्यावरण शिक्षण की नीति के अंतर्गत कि पर्यावरण की विषय वस्तु बालकों को भय एवं पूर्वाग्रह से मुक्त करने वाली होनी चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी न कि सी। सही सी भी है, सही बी भी है, लेकिन बी एनसीएफ की सीधी सीधी लाइन है, इसलिए सबसे प्रभावी ऑप्शन बी होगा। हम आते हैं प्रश्न नंबर 16 के क्रम में, और प्रश्न नंबर 16 है कि एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता का स्थान दिया गया है, और ऐसा देने का क्या कारण है? कह रहा है अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्न को शामिल करने के लिए, कह रहा है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, सी कह रहा है चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, डी कह रहा तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषा उपलब्ध कराने के लिए। तो साहब देखिएगा कि यहाँ पे पर्यावरण की जो पाठ्य पुस्तक अध्ययन को यहाँ पे जो प्राथमिकता दिया गया है, यह केवल अभ्यास के लिए तो दिया नहीं गया है, और कह रहा संकल्पनाओं की व्याख्या। तो साहब आप ये बात जान चुके हैं कि एनसीएफ 2005 संकल्पना परिभाषा इत्यादि पर रोक लगाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। डी करा तकनीकी शब्दावली, और आपने ये भी जाना कि एनसीएफ 2005 शब्दावलियों की व्याख्या को मना करता है, तो यह भी नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करा चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, मतलब बालक को उसके परिवेश को लेकर के क्रियाशील करना, बालक को उसके परिवेश को लेकर के कल्पना का विकास करना, जिससे बालक अपने वातावरण परिवेश के प्रति चिंतनशील हो। इसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम आते हैं प्रश्न नंबर 17 के क्रम में। प्रश्न नंबर 17 कहता है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? कह रहा है ए की क्रियाकलाप संचालित करना था कौशलों का विकास करना चाहिए, बी कह रहा है आकलन में सफलता प्राप्त करना, सी कह रहा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझाना, और सी कह रहा है सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। तो साहब देखिएगा कह रहा है क्रियाकलाप संचालित कराना था कौशलों का विकास कराना, ये भी सही आंसर है। बी कह रहा है आकलन में सफलता प्राप्त करना, ये भी सही है, ये गलत है आंसर यहाँ पे, लेकिन और डी भी सही है। अब अगर हम देखें कि ए बी और डी तीनों में सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है, तो साहब ये जो कह रहा है ऑप्शन नंबर डी जो है, ये एनसीएफ 2005 के द्वारा दिया गया पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य है। इसमें ये कहता है कि बालक के स्कूली जीवन को उसके बाह्य वातावरण के साथ जोड़ना, तो कह रहा सीखने वाले के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़ना, मतलब तो उसके बाह्य वातावरण से जोड़ना, इसलिए सभी ऑप्शन में से ये क्या है, प्रभावी है, और ये दोनों नहीं होंगे, लेकिन सही ए भी है और बी भी है। हम आते हैं प्रश्न नंबर 18 के क्रम में, और प्रश्न नंबर 18 है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में क्या होना चाहिए। ए कह रहा है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना, बी कह रहा है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, सी कह रहा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर एकाग्रता, और कह रहा है पाठों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो साहब देखिए ऑप्शन नंबर डी में परिभाषा आया है, और एनसीएफ 2005 कहता है परिभाषा की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं होगा। इसमें कह रहा संकल्पना की बात कर रहा है, संकल्पना अवधारणा या परिभाषा नहीं होना चाहिए, तो डी भी कट गया, सी भी कट गया। ए कह रहा कि अधिक अभ्यास, तो आप जरूरत से ज्यादा अभ्यास करा देंगे तो वह बोझ हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। सही आंसर बचा क्या, बी अपने आसपास को खोजने, मतलब बालक के पास पड़ोस के प्रति बालक को जिज्ञासु बनाने, बालक को उसके वहां पे उसके संबंधों को खोजने, क्रियाशील करने पर जोर देना चाहिए, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम यहां से आपको 19 नंबर पे, और 19 कहता है कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए,
यहां पर ध्यान देंगे, कह रहा है यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद सीला प्रकरण के विषय में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के विषय को जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधी अवधारणा को नहीं समझ पाए। तो ये जो नहीं समझ पाए इसका क्या कारण है? तो कह रहा है ए कह रहा है उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का नहीं प्रयोग किया। बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। सी कह रहा है यह प्रकरण पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। डी कह रहा है शिक्षार्थियों को यह प्रकरण रोचक नहीं लगा। तो साहब देखिएगा कि ऑप्शन नंबर बी कह रहा संज्ञानात्मक स्तर यहाँ पे, ये तो देखिए अगर आप किसी कक्षा को पढ़ा रहे तो कक्षा में, अब बात कर रहा है कक्षा पांच की, तो कक्षा पांच में बैठा हुआ बालक है और विषय वस्तु उसकी पाठचर्या में शामिल है, इसका मतलब वो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल होगी तभी शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा कि संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था, ये तो कभी नहीं होगा, ये निगेटिव चला गया। सी कह रहा कि प्रकरण पुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। साहब एनसीएफ बनाती है और वहाँ बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं और उनकी आलोचना करना हमारे लिए कहीं पे भी प्रासंगिक है ही नहीं, इसलिए सी नहीं होगा। अब फंसा कि डी सही है, ये भी सही लग रहा है, ए भी सही लग रहा है। तो देखिएगा साहब, अब जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाए और आप द्वंद में हो कि हम इसे चुने कि इसे चुने, सबसे सरल तरीका होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम देख लें कि दोनों को व्यवहार को क्रमबद्ध कर दें, पहले कौन सी घटना घटी बाद में कौन सी घटेगी, जो पहली घटना घटेगी वो परफेक्ट आंसर होगा और जो दोबारा घटेगी वो उससे थोड़ा सा कम होगा। तो देखिए ए कह रहा है कि पढ़ाने के लिए सही पद्धति, तो पहले सही पद्धति का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद ही तो पता चलेगा कि वो रोचक था कि नहीं था। तो इस आधार पे पहली घटना ये होगी, दूसरे नंबर पर ये होगी, तो जो पहली घटना होगा वही सबसे उपयुक्त आंसर होगा, इसलिए यहां सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हम आते हैं प्रश्न नंबर 20 के क्रम में और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। वो बात कह रहा है कि कौन सा संबंधित नहीं है, इसका मतलब हमको निगेटिव सेंटेंस ढूंढना है। ए कह रहा है कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्यय और सिद्धांत को रटकर याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करने वाला होना चाहिए। बी कह रहा अवलोकन मापन भविष्य कथन वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करने वाला होना चाहिए। डी कह रहा भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशील विकसित करने वाला होना चाहिए। तो साहब ये होना चाहिए क्योंकि एनसीएफ की सेम लाइन है, यह भी एनसीएफ की लाइन है और यह भी एनसीएफ की लाइन है। कह रहा कि आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों की बात करता है। एनसीएफ 2005 ने कहा है शब्दावलियों अमूर्त अवधारणाओं और परिभाषा सिद्धांतों की व्याख्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। इसका परफेक्ट आंसर इस नहीं का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 21 पे और प्रश्न नंबर 21 कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। एक यहां पर भी वही बात कहा गया है कि हमें प्रश्न के अंतर्गत नकारात्मक सेंटेंस ढूंढना है कि कौन सी नकारात्मक यहाँ पे लाइनें शामिल की गई हैं। एक कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों की विविध या विविधतापूर्ण जो पृष्ठभूमि है, बालक का परिवेश है, उसकी जरूरतों को पूरा करती है। नेक्स्ट कह रहा है वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। कह रहा है परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है और कह रहा है यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। एक कह रहा है कि शिक्षार्थियों के विविधपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण शिक्षण का उद्देश्य ही है बालक के बाह्य परिवेश, उसके वास्तविक संसार जहां रहता है उससे जोड़ना। तो साहब यही बात तो ये भी कह रहा है कि जरूरत को पूरा करती है, तो ये तो यहाँ पे सही होगा। तो और हमें ढूंढना है कि नहीं, इसका मतलब नेगेटिव ढूंढना है, तो ये तो पॉजिटिव निकल गया, ये यहाँ पे नहीं होगा।
कह रहा है कि वास्तविक कहानी और घटनाओं को शामिल करना, जब बालक के वास्तविक परिवेश को जोड़ने की बात एनसीएफ कह रहा है तो वास्तविक घटना और कहानी तो साफ शामिल ही होगी, तो यह भी सही है, यह भी उसका उत्तर नहीं है क्योंकि हमें नहीं चाहिए। सी कह रहा है कि परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं, अभी हमने जाना कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण शिक्षण में परिभाषाओं अमूर्त अवधारणाओं इत्यादि की व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, तो यहाँ पे ये है नेगेटिव स्टेटमेंट। और कह रहा प्राकृतिक समाज सांस्कृतिक परिवेश मतलब बालक के वास्तविक जीवन से, तो यह भी एनसीएफ 2005 ने कहा था, ये भी सही है, तो हमें इस नहीं का आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी में। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 22 लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 के अंतर्गत हम यहाँ पर ध्यान देंगे, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित वांछनीय यहाँ पर अभ्यास है। सिवाय शब्द का प्रयोग किया है मतलब कि किसी एक के अलावा बाकी सभी वांछनीय मतलब सकारात्मक अध्याय है। तो एक कह रहा कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना, बी कह रहा बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करना, सी कह रहा वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, डी कह रहा पाठ्य वस्तुओं में संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। तो साहब हम ए से लेते हैं, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करना मतलब बालक अपने परिवेश में क्या सही है के साथ साथ क्या अनुचित है यह भी जाने, तो साहब ये तो वांछनीय है, ये तो वांछनीय है, तो यहाँ पे हमको ढूंढना सिवाय मतलब हमें नेगेटिव स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये तो पॉजिटिव बता रही है, वांछनीय से संबंधित है। बी कह रहा बच्चे की अस्मिता का पोषण करना मतलब उसके जो व्यक्तित्व है समाज के प्रति सकारात्मक उत्पन्न करना, तो साहब ये तो उद्देश्य ही है, ये भी वांछनीय निकल गया। कह रहा कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान मतलब कह रहा कि बालक को उसके परिवेश का ज्ञान नहीं दीजिए, बालक को केवल किताबी ज्ञान दीजिए, साहब ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। और कह रहा पाठ्य वस्तुओं को संदर्भों की बहुलता, तो ये भी सही आंसर है। तो इस यहाँ नेगेटिव सिवाएं जो दिया है नेगेटिव स्टेटमेंट का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के क्रम में। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि समस्या समाधान विधि का गुण है पर्यावरण शिक्षा में, समस्या समाधान विधि का क्या गुण है। एक कह रहा है लक्ष्य केंद्रित विधि मतलब लक्ष्य निर्धारित करके उस पर शिक्षण का कार्य करना चाहिए। बी कह रहा है कि सृजनात्मक विधि मतलब बालकों की विशेष क्षमताओं को खोजने वाली होनी चाहिए। और सी कह रहा है चयनात्मक होनी चाहिए मतलब किसी निश्चित केंद्र पर जाकर के शिक्षण का कार्य होना चाहिए। और डी कह रहा है ये सभी, तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ आंसर होगा वह होगा ये सभी। तो इस प्रकार हमने आज बातचीत किया आपसे प्रैक्टिस सेट संख्या 6 पर, इसके नेक्स्ट क्रम के साथ पुनः मुलाकात करते हैं। थैंक यू।